easy go. दोस्तों टेक्नोलॉजी हाउस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा पार्ट 6 है और इसके अंदर हम आपको सेल्स रिटर्न बताएंगे। सेल्स रिटर्न कैसे हमको वाउचर बनाना पड़ता है। सेल्स रिटर्न वो होती है जो किसी को आपने माल बेचा है, उस बंदे ने आपको वो पूरा माल या कुछ उसमें से माल रिटर्न कर दिया है, तो उसका एक वाउचर बनाना पड़ता है। देखिए, आप सेल्स रिटर्न में सबसे पहले हम जाएंगे ऐड में। ऐड में जाके सबसे पहले जो होता है तारीख, तारीख के बाद टैक्स। टैक्स जो है आपको वही LGST, अगर स्टेट के अंदर है, आउट ऑफ स्टेट है तो IGST। तो हमने लिया LGST आइटम वाइज। अब आपको माल किस बंदे ने वापस करा, श्याम एंड सन्स हमने ले लिया। अब आप हम आते हैं वाउचर नंबर, मतलब आपने किसी वाउचर नंबर जिससे बिल आपने बनाया हो उसका, तो वो वाउचर नंबर यहाँ डालना पड़ेगा। अब वाउचर नंबर मान लो आपको याद नहीं है तो क्या करना होगा, हमको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा तो हमको उसके लिए वापस कॉन्फ़िगर में जाना पड़ेगा। एक बार कॉन्फ़िगर में फीचर ऑप्शन में, फीचर ऑप्शन में इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री में जाके हमको वैलिडेट सेल्स रिटर्न, ये वैलिडेट को टिक करना पड़ेगा और इसको सेव करना पड़ेगा। ये हमारा सेव हो गया। तो यह टिक करने के बाद अब हमको वापस अपने वाउचर में जाके वापस बाहर आके अंदर आना पड़ेगा। इसको टिक करने से दो फायदे होते हैं जो भी हमने बताया आपको। ये देखिए यहाँ आ गया सेल्स वाउचर लिस्ट। ये वाउचर नंबर वैलिडेट करने के लिए होता है कि आपका वाउचर नंबर गलत नहीं हो जाए। तो ये आपका वाउचर नंबर आ गया 1920, वाउचर नंबर 9। इसमें से इस बंदे ने हमको इंक वापस करी, तो हमने यहाँ पर वाउचर नंबर डाल दिया 1920/9। ये तारीख ऑटोमेटिक आ जाएगी। सेल्स अमाउंट SGST CGST ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको हमको यहाँ ओके कर देना है, मेन स्टोर कर देना है। नरेशन कुछ लिखनी है तो आपको लिख सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ ले लिया इंक, दो क्वांटिटी और 300 रुपये डाल दिए, 300 रुपये प्लस टैक्स। अब हम इसको यहाँ सेव करने जाएंगे तो ये देखिए, ये बोलता है कि आपने जो इसको माल बेचा था ये 267.86 प्लस टैक्स था, तो आपने ये 300 रुपये प्लस टैक्स डाल दिया। तो ये जो मैसेज आया ये इसलिए आया कि हमने वहाँ कॉन्फ़िगरेशन में वैलिडेट का ऑप्शन टिक किया है। तो अब हम इसको कर देंगे 267.86। इसके बाद हम इसको करेंगे सेव। ये आ गया वापस एक बार, और आपको चेक करना हो तो बिल एडजस्टमेंट, जैसे यहाँ एडजस्टमेंट आ गया, ये किस बिल के अगेंस्ट में आपने रिटर्न लिया है, ये अमाउंट आ गया ऑटोमेटिक। तो हम चाहें तो बिना एडजस्टमेंट के भी कर सकते हैं और हम चाहें तो एडजस्टमेंट की LT भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा सेल्स रिटर्न। तो दोस्तों ये था हमारा सेल्स रिटर्न का वाउचर। सेल्स रिटर्न अगर किसी से को हमने माल बेचा है और अगर वो माल वापस आ गया है तो आपको सेल्स रिटर्न कैसे लेना है। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन और होता है पार्टी डैशबोर्ड। अभी यहाँ कोई पार्टी सेलेक्ट नहीं कर रखी हमने, हम वापस उस सेल्स रिटर्न के वाउचर को मॉडिफाई पर ले जाते हैं। तो यहाँ आता है पार्टी डैशबोर्ड। ये पार्टी डैशबोर्ड आ गया आपका कि इस पार्टी के कौन कौन सा माल बेचा, कौन सा रिटर्न हो गया, तो ये सारी ये आ गया शो फुल वाउचर डिटेल। ये सारी आपकी वाउचर डिटेल आ जाती है इस पार्टी के, क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ से भी आप वाउचर नंबर या कोई भी इसकी डिटेल चाहते हैं पार्टी की तो ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारा था ये सेल्स रिटर्न। थैंक यू।